विष्णुदेव साय सरकार ने आज शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने के लिए घर से निकले और विधानसभा जाने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रभु श्री राम एवं माता सीता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट गारंटी को पूरा करेगा, गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं का कल्याण सुनिश्चित करेगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दृष्टि के साथ काम आएगा। सर, आप बजट पेश कर रहे हैं, किस तरह खास रहने वाला है ये बजट? ये बजट गारंटी को पूरा करने वाला, छत्तीसगढ़ के युवा, महिला, किसान, गरीब सबके हितों को सुनिश्चित करने वाला और छत्तीसगढ़ के एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक विजन के साथ उसके लिए क्या रणनीति होगी और उसके लिए क्या रोड मैप होगा, उस रोड मैप को प्रस्तुत करने वाला बजट होगा। गारंटी भी इसमें नजर आएगी। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पर आज पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी के ऊपर की ओर देखती है। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारा नेतृत्व तो करते हैं, हम सबका सौभाग्य का विषय है। गारंटी पर भी फोकस होगा, छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, महिला, युवाओं पर भी फोकस होगा और छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में, आने वाले दशकों में हम कहां लेकर जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे, उस रणनीति पर फोकस करते हुए आज का बजट